अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन। इट्स मैथ ग्रेड 3 लेक्चर नंबर 9। आई एम योर मैथ टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। सो डियर स्टूडेंट्स, एनीवन कैन गेस व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? आज हमने क्या करना है? हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 1 100 एंड 1000, यही हमारा टॉपिक है ना? आज हमने क्या करना है? आज हमने इनको राइट करना है। टेंस में हमने क्या करना है? राइट करना है नंबर्स को किस फॉर्म में? टेंस में, वंस में, हंड्रेड में एंड थाउजेंड में। सो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू राइट कर रही हूँ, एनी नंबर। फॉर एग्जांपल 9 8 5 6 3, इसको हमने टेंस में, वंस में, हंड्रेड में एंड थाउजेंड में राइट करना है। कैसे राइट करूंगी मैं? पहले हम राइट कर लेते हैं 1 1 10 100 1000 एंड दिस इज 10,000। सो इसको आप राइट कैसे करेंगे? यहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, लेफ्ट साइड से। सो स्टार्ट करेंगे 9, क्या है हमारे पास 98 में? 9 tens है एंड इसकी वैल्यू क्या है? 1000। 9 10 1000। उसके बाद क्या है हमारे पास? 8, आप राइट करेंगे 8000। 98000 को हम कंप्लीट लर्न करेंगे, रीड करेंगे, बट आपने इसमें 10,000 की वैल्यू अलग राइट करेंगे और 1000 की वैल्यू अलग राइट करेंगे। 1000 के बाद क्या है? 100। 100 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे? 5। फिर आप राइट करेंगे 500 के बाद क्या है? 6 10 3 1 6 10 3 1। दिस इज हाउ यू विल राइट एंड कन्वर्ट 10s, 100s, and 1000। So open your book, page number 11. Question number 3 से हम start करेंगे। Previous lecture में हमने question number 2 complete कर दिया था। What is it saying? Write these numbers in 10,000, 100, 10 and 1. उनमें हमने write करना है। First question has done for you, so we'll take start from the second one. 56,013. Here is 5. 10,000, 5 10,000, 6,000 and 13. 100 की उसने कोई वैल्यू राइट नहीं की, भी जीरो है, तो हम उसको स्किप करेंगे एंड 110 के बाद क्या है? 110 31। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सी हियर इज 9 10 1000 1000 4000 4000। नेक्स्ट क्या? 600 600 and 8। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने 10 की वैल्यू राइट नहीं की, तो हम क्या राइट करेंगे एंड 600 8 1। सो डी में देखें 8 10 1000 8 10 1000 के बाद 1000 तो उसने वैल्यू नहीं राइट की हुई, 100 पे आ जाए 300 110 110 9 1। सो दिस इज हाउ यू विल डन द प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क टास्क, यू हैव टू कंप्लीट ऑन योर बुक एज योर होमवर्क। नाउ ओपन योर नोटबुक ग्रेड 3। सो डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन योर डे डेट, टेक योर होमवर्क। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा टेबल किया था? वी आर रिवाइजिंग द टेबल। हमने किया था टेबल ऑफ 4, नो वी हैव डन ऑफ 2 टेबल ऑफ 8, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टेबल ऑफ 9। क्या राइट करेंगे आप? टेबल ऑफ 9। टेबल ऑफ 9 टॉपिक के नीचे की लाइन छोड़ देंगे, मार्जिन लाइन से इस तरफ 2 और 3 ब्लॉक्स छोड़ के आप स्टार्ट करेंगे। 6 1 और 6, इज इट राइट?
नो, हमने टेबल ऑफ 9 स्टार्ट करना है और ग्रेड 3। वेरी गुड, आप सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वेरी गुड। सो अब यहाँ से स्टार्ट कर लें। 9, 1 और 9, आप सही है, 9 का टेबल राइट कर रहे हैं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। 9, 2 are 18, इज इट राइट? हाउ वुड आई गेट नो हियर विल बी 18? तो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी टेबल कर रहे हैं, जिस नंबर का भी टेबल कर रहे हैं, यू हैव टू ऐड द सेम नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, these line and these line makes 18. You know table of 9, you have learned it in your previous class. 9 threes are 27. So मैं फिर complete table write कर रही हूँ यहाँ पे। So this is the table of 9. Make sure the practice on your register. More you practice, more you will learn. You have already learned these tables. We are just revising them. So this is all about your today's word. आप लोगों ने convert किया है 10 को 100, 1000 and 10,000, and you learn table of 9. So see you tomorrow, inshallah, grade 3. Allah Hafiz.